सिवनी मालवा में लगातार हो रही गौवंश की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन गौ तस्करों द्वारा ट्रकों में भरकर गौवंश को ले जाया जा रहा है। गौवंश के रक्षकों द्वारा लगातार गौवंश की तस्करी रुके, इसके लिए गौवंश रोकने के तस्करी रोकने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। गौ भक्तों के द्वारा गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए कानून के हवाले भी किया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार गौवंश तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दोपहर में सिवनी मालवा से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ग्राम लोहारिया से एक पिकअप वाहन में अवैध तरीके से गौवंश को ले जाया जा रहा था। जब गौवंश संबंधित दस्तावेज पूछे तो उनके पास किसी प्रकार के कोई कागज नहीं मिले। गौवंश को ले जा रहे लोगों ने बताया कि यह गौवंश हमने तिनसिया ग्राम से खरीदा है, लेकिन इस गौवंश की खरीदी के इनके पास किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं थे। इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पिकअप वाहन चालक और गौवंश के मालिकों से जानकारी मांगी तो देने में असमर्थ रहे। फिलहाल पुलिस ने बीमार गौवंशों का इलाज करवाया और उसके बाद ले जा रहे गौवंश को और पिकअप सहित थाने ले आए, पूछताछ की गई। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।